राम राम साहब, मेरे अगले ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अब चल रहे नवरात्रे, आज है नवरात्रा का 5वां दिन। आप सभी को नवरात्रा का ढेर सारी शुभकामनाएं, राम राम सा। और अब मैं आज बनाने जा रही हूँ नवरात्रा के लिए गुलाब जामुन, क्योंकि मैंने मावा पहले से कल मैंने निकाल लिया था। कल वाले वीडियो में डाला हुआ है कि मैंने मावा कैसे निकाला है, आप उन भी उस वीडियो में जाके देख सकते हो। मैं आज बना रही हूँ गुलाब जामुन, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो मावो। 1 किलो मावा लिया है, ये देखो एकदम सॉफ्ट है, ज़्यादा वैसे कड़ा मावा नहीं लेना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मावा लेना है। मैंने घर पे ही निकाला था, और घर पे दूध से आसानी से मावा निकल जाता है। ऐसा आगे नवरात्रे और दीपावली और आ रही है, तो मिठाई वैसे तो बाजार से लाना ही लोग पसंद करते हैं, पर घर पे भी आसानी से बना सकते हो आप। ये देखो मावा एकदम सॉफ्ट है, इसमें ज़्यादा आटा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं 1 किलो मावे में 200 ग्राम, ये 150-200 ग्राम आटा डाल रही हूँ। मैदा है, मैंने मैदा लिया है, आप चाहे तो सूजी ले सकते हो, इसमें ज़्यादा आटा नहीं डलता। इनको एकदम 10-15 मिनट ऐसे गूंद लेना है, एकदम एक जी कर लेना है सारा। इसको 10-15 मिनट ऐसे हथेली से घिस के बनाना है, क्योंकि जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं आटे को गूंदते हैं, उसी प्रकार इसको एकदम से अच्छे से गूंदना है। कोई मिरमिरी बीच में रहने जाए। तो इस प्रकार से गोले बना लेने हैं आपको। ये ढक्के छोड़ देना है कि उसमें जो आटा मिला है वो एकदम इसमें मावे में मिक्स हो जाए। इनका छोटी छोटी गोली बनानी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बाद में सीजने के बाद में और बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बनाने हैं। ये तो गोला एकदम सही से बन गया, क्योंकि ये गोला सही ऐसे गुंदा हुआ नहीं होता है, तो ये गोला सही नहीं बनता है। ये देखो इसी प्रकार से मैंने सारे गोले बना दिए, और अब इनको घी में से निकाल लेती हूँ। देखो इसी प्रकार से मैंने सारे गोले बना दिए, एकदम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गोले हैं, एकदम अच्छे से सारे। गुलाब जामुन के लिए मैं बना रही हूँ चाशनी, और चाशनी में के लिए 2 किलो चीनी और 2 किलो मैंने पानी लिया है, क्योंकि इसकी तार की चाशनी नहीं बनानी पड़ती है। तो इसमें पहले पानी को बाहर एक कटोरी में निकाल के देख लेना है कि चाशनी कैसी बनी, हाथ में जैसे चिपचिपी लगे वैसी चाशनी बनानी है, तार और नहीं बनानी है इसमें। थोड़ी मैंने इलायची, मैंने चाशनी मैंने मिलाने के लिए 4-5 इलायची का दाना लिए है।
इलायची चाशनी में मिला सूं क्योंकि चाशनी में थोड़ी सुगंध जावे। चाशनी में एक उकाल आ गयो और एक उकाल आने के बाद में मैं चार पांच इलायची कूट रखी बन डाल दूं, ये सुगंध बढ़िया हो जी। मैंने एक बाद में चार पांच मिनट तक चाशनी धीमी आंच में पकन देनी है। चाशनी ने कम कर पकाता है, चार पांच मिनट होगी। अब इन गैस बंद कर नीचे उतार दे। अब मैं एक कढ़ाई ली है, कोई जरूरी को नहीं कि ज्यादा ही लेवे, पर गुलाब जामुन निकालने के लिए गुलाब जामुन रूबना जरूरी है। घी में थोड़ी कढ़ाई मेरी बड़ी है, इस वास्ते किलो है घी ली है मैं। घी में ज्यादा गर्म कौन करना, थोड़ा थोड़ा गर्म करना है। आग मैंने पहली एक गुलाब जामुन नाक देख ले पहली। देखो गुलाब जामुन के बाहर कर बूंदा और निकल ला गई, मतलब घी ऐड है। ज्यादा घी ना के एकदम तेज आंच में गर्म कौन रखना। गुलाब जामुन ने घी में डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा बीच में हिला तो रहना है, क्योंकि एक साइड जल जेला और एक साइड कच्चा रह जेला। एक जब तक कलर चेंज नहीं हो जाए जब तक अन सीझना है। ये देखो गुलाब जामुन का कलर एकदम चेंज हो गया, गुलाब जामुन पक चुके हैं और चाशनी में डाल दिए। चाशनी में कड़छी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप अंदर चले जाएंगे। जैसे जैसे चाशनी इनके अंदर पेगी वैसे वैसे नीचे डूबते चले जाएंगे। ये देखो सारे गुलाब जामुन अच्छे से पक गए। ये कर दिया मैंने गैस बंद। आप भी इसी प्रकार से गुलाब जामुन बना के घर पे ही बना के खा सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इनको छोड़ देते हैं 2-3 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए। बाद में रख देंगे इनको फ्रिज में। फ्रीज में रखे हुए गुलाब जामुन खाने का टेस्ट ही अलग होता है। ये देखो मैंने 2 घंटा के लिए फ्रीज में रख दिया, अभी एकदम ठंडे ठंडे हो गए। और प्रदीप को खाने हैं ये गुलाब जामुन ठंडे ठंडे। ये देखो कितने अच्छे से बने हैं।
मैंने बनाए हैं गुलाब जामुन 1 किलो मावे का बनाया है, आप भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से बने हैं। ये देखो बाजार के जैसा टेस्टी गुलाब जामुन आप भी घर पे बना सकते हो। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। राम राम सा।